इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, सो डोंट टेक इट सीरियसली एंड ये एक रोल प्ले वीडियो है, सो लेट्स एंजॉय। ओके तो चलो यार, मैं ना अभी मेरी गर्लफ्रेंड के सर्वर को ज्वाइन करता हूँ। यार बहुत दिन हो गया यार, वो ना तो मेरे से मिलती है ना मेरे को बुलाती है माइनक्राफ्ट में, पता नहीं यार क्या हो गया। तो चलो अभी यार सर्वर पे ज्वाइन करते जल्दी से। एंड ओके ये मैं कहाँ पे हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है, ये कौन है यहाँ पे? अरे रैप्टर, हेलो। अरे इंसेक्ट तू? यस। कितने दिनों बाद आया यार, तू तो बुलाता नहीं भाई, अकेले अकेले तू खेलता है ना, मतलब मेरे को भूल ही गया तू। अरे भाई यार तुझे बुलाना भी पड़ेगा, अब ऐसी बात हो गई। कैसा है, मुझसे मिलने आया यार इतने दिनों बाद? तेरे मिलने क्यों आऊँ मैं भाई, मतलब तेरे से तो मैं रोज मिलता हूँ, मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ, समझ रहा है तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड? वो तेरी गर्लफ्रेंड मतलब क्या? नहीं नहीं भाई कुछ नहीं भाई, यार झूठ ही बोल देता, मुझसे मिलने आया है। भाई चल तेरी भाभी से मिलते हैं, जल्दी जल्दी आजा 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 आजा। मैं भी बहुत दिन से नहीं मिला वैसे। वो देख वो रही ना उसका घर, वो अरे हाँ वही हो, ये तो राजश्री बाहर ही खड़ी है। क्या कर रही है बे, साइन बोर्ड पे घर का नाम वाम दे रही है क्या? बात कर रही है। बात करेगी कौन है यार, त्रिशा भी है क्या सर्वर में? भाई कौन कौन है ये लड़की? अरे चल छोड़िए सब, श्री हेलो श्री। क्या कर रही थी तू, ये साइन बोर्ड तोड़ क्यों दिया मेरे को देख के? वो मैं शायरी या पोएम्स लिख रहे थे। क्या मतलब तू पोएम लिख रही थी? इंसेक्ट को देख के तोड़ा क्यों? अरे यार छोड़ो यार ऐसे ही। अच्छा अरे यार ये सब छोड़ रही, तू मेरे को ये बता यार, मतलब तू तेरे बॉयफ्रेंड को बुलाती नहीं है, मतलब तू भूल गई मेरे को? मतलब थोड़ा काम में बिजी हो गई थी कुछ दिन। कितना दिन हो गया, मतलब 2 हफ्ता हो चुका है, तू मेरे से बात भी नहीं कर रही है, ना तू व्हाट्सएप पे रिप्लाई देती है, और अभी ऐसे फ्रीज क्यों खड़ी है तू? काम में बिजी थी यार। ये त्रिशा कौन है? त्रिशा मेरा दोस्त है, मेरी न्यू फ्रेंड। ये सब छोड़ो, बट यार स्वी मैं सही में बता रहा हूँ, मैं गुस्सा हूँ तेरे पे यार। बाद में बता रही हूँ त्रिशा, बाद में। अरे नहीं मतलब बोला ना मैं बिजी थी, काम में बिजी थी यार, सच बोल रही हूँ। फिर ये मेरा ये दोस्त का देखो ना, पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, तो इसको भी हॉस्पिटल हम देखने गए थे, अभी थोड़ा सा ठीक है। अरे नहीं। बट आज नहीं, देख जो भी है बहुत दिन बाद आए ना, तो चल आज हम लोग क्या करें बता, क्या खेले क्या करें बता रहा हूँ मैं। अच्छा तुम्हारा वो हो जाए ना, फिर हम फार्म वार्म बनाएंगे, ठीक है? फार्म भी बनानी है, बहुत सारे काम है। भाई श्री ये सही है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, तू मेरे को नहीं बुला, बोल रही कि फार्म बनाना है, उसको बोल रहे है, चल मैं हेल्प कर देता हूँ, कहाँ पे बनानी है बता। बना लेंगे यार, क्यों हम नहीं बना सकते हैं? एक सेकंड मेरे को एक बात बता, तू उससे कैसे बात कर रही है? ना तो उसका यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, ना उसका वॉइस आ रही है, तू उससे कैसे? दिल की बात में सुन लेते हो, हम बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। भाई ये कौन सी सीन चालू है, ये गूंगी है क्या? ऐसा नहीं बोलो मेरे दोस्त को। यार रैप्टर देख भाई, इसको हम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए भाई, हम जाते, तू अकेले बना लियो, मैं इसकी तेरे से बात ही नहीं करनी। चल चल मेरे घर चल। ठीक है बना दो, अबे रुको यार बना दो भाई। देगा ना भाई, अब आया ना लाइन पे। और तू मेरे से आज ऐसे दूर दूर क्यों चल रही है? कहाँ दूर दूर कहाँ भाई, ये पागल है यार, मार क्यों रहा है? इसलिए दूर कि त्रिशा मारेगी, वो किसी को मेरे पास आते हुए नहीं पसंद करती। क्यों बैस की, वो तेरी गर्लफ्रेंड है? अच्छे से भाई नौकर नहीं हूँ मैं तेरा, और ये त्रिशा है कौन भाई, घटिया लड़की है, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, इसको हटा यहाँ से। मेरा अच्छी दोस्त है, ऐसा नहीं बोलो भाई, मार रही है यार मुझे। और भाई ये तेरी भाभी को क्या हो गया भाई? मुझे तो लगता है त्रिशा ने ही कुछ तेरे बारे में सिखाया होगा इसे गलत बात, चले तुझसे इतना दूर दूर रह रही है। सही में भाई मतलब क्या है यार, देख ना वो देख दूर खड़ी हुई है, ऐसा कभी नहीं होता है। दोनों कुछ बात कर रहे हैं। इंसेक्ट आ गई, मैं क्या बोल रही हूँ, शाम होने वाली है ना, तेरे को पता है ना मेरे पापा घर आ जाते हैं, तो कल मिलते हैं। क्या मतलब तेरा डैड आ रहा है और मैं चले जाऊँ? है तेरे डैड आने के बाद भी तो हम दोनों तेरे घर पे बैठ के बात करते थे, ये क्या बोल रही है तू? अरे तू बहुत दिन नहीं आया ना, तो मैंने बोला कि तू पढ़ने वरने चला गया कहीं, तो अभी तू रहेगा तो पापा को लगेगा कि मैंने झूठ बोला तेरे बारे में। अरे तेरे पापा को पता थोड़ी है कि हम दोनों ऐसे रिलेशन में, उनको तो पता है कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ, तो क्या मैं चले जाऊँ? अरे कल मिलते हैं ना, पक्का मिलेंगे। हम लोग को काम करने के लिए बुलाया, और लिटरली मुझे इसके बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं लग रही है, मतलब कैसा बिहेवियर है यार, मतलब मैं इतने दिन बाद आया, उसको बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, लिटरली ऐसे भाई प्रिटेंड कर रही है वो, एंड अभी मेरे को भगा भी दिया, क्या क्या सीन है यार, मेरा सही में मूड खराब है। रैप्टर क्या सीन क्या चल रहा है भाई? भाई मैं तो कह रहा हूँ त्रिशा ने तेरे बारे में कुछ उससे गलत गलत बात बताया है, और इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है, पहले तो ऐसे नहीं करती थी वो। और त्रिशा आई कब भाई, कहाँ से आ गई है? भाई मैं है कौन, ये श्री के इतने क्लोज आ गई इतने कम टाइम में? मुझे तो बहुत कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। गड़बड़ कौन सी गड़बड़ भाई, वो गुस्सा गुस्सा है क्या मेरे से? लाइक मैंने बहुत कुछ गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया या? एक काम करना, उसे कुछ ऐसा गिफ्ट दे दे जिसे कुछ पसंद हो, खाने वाला या कोई फूल वगैरह। ये सही आइडिया है, ये क्या कर रही है?
भाई ये क्या है त्रिशा, बैस की मार दूंगा इसको मैं, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है गिफ्ट लेने चलते हैं। पिंक कलर का कोई फ्लावर होता है क्या माइनक्राफ्ट में? हाँ पिंक ट्यूलिप, ट्यूलिप बहुत रेयर फ्लावर है। ठीक है चल हम लोग ढूंढते उसको, वो फ्लावर देते, अगर उसको पसंद आ जाए है ना, मतलब पसंद क्या मतलब वो फ्लावर देने पे हो सकता है वो फिर से ठीक हो जाए है ना। यार ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ऐसे ना संभालना बहुत दिक्कत वाली बात है यार। ये रहे भाई मिल गया ट्यूलिप। क्या मिल गया तेरे को ट्यूलिप? मिल गया भाई, हमारी बहुत अच्छी है। चलो यार अभी यार जल्दी से जाग गया, उसको वो फ्लावर देंगे भाई और वो खुश हो जाएगी शायद। हाँ मैंने बहुत दिनों से कुछ गिफ्ट दिया नहीं या मैंने ऐसे कुछ खास करा नहीं उसके लिए, तो शायद वो मेरे से गुस्सा है समथिंग, हो सकता है। और रैप्टर ये वाइंड व्हेल के पास आ जा भाई। मेरा भाई ट्यूलिप बहुत सारा मिल गया, बहुत रेयर है भाई, ये उसको पसंद आएगी। तू यहाँ पे रुक। ओके गाइस वो रहे दोनों मतलब क्या मेरे को वो दिख नहीं रही, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड दिख रही है मेरे को। चलो गाइस लेट्स गो, जल्दी जल्दी से वहाँ पे जाते हैं, जाके उसको देते हैं। ये दोनों खेत में क्या कर रहे हैं? कैसे बोलो कुछ बता ना यार, कुछ आइडिया दे, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या बोलने की बात चालू है। एक सेकंड गाइस, ये त्रिशा से बात कर रही है लेकिन त्रिशा उससे कैसे बात कर रही है, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही है ना, तो चैट में बोल रही है, वो पर्सनल विस्पर मैसेज से बात कर रहा है क्या, आई मीन कर रही है यार। त्रिशा देख यार छोरो भी कैसे ना, वो कितना अच्छा मतलब गिफ्ट विफ्ट देता है, घूमने लेके जाता है, पता है मेरे लिए कितना कुछ कर देता है, मेरे को मेहनत ही नहीं करना पड़ता माइनक्राफ्ट में। हाँ लूटना नहीं बोल सकते हैं, मतलब कितना दिन ये करो, कितना दिन लूटू वगैरह, कभी ना कभी तो बोलना ही होगा ना। क्या बातें चल रही है यहाँ पे इनकी? ओए श्री, हेलो हेलो श्री, इंसेक्ट आ गया। हाँ हाँ इंसेक्ट, यस बोलो। किसको लूटने की बात कर रही है भाई? एक दिन क्या हुआ ना, तेरे को नहीं पता, तुम नहीं आए थे ना 2-3 दिन इधर, एक हमारे बाजू वाले पड़ोसी के घर में वो चोरी हो गया था, लूट के चले गए थे। नहीं तू क्या बोल रही थी, क्या कैसे छोड़ू ये वो ये, क्या क्या बोल रही थी? तू सुन रहा था हमारी बातें छुप छुप के, क्या छोड़ू बोल रही थी मैं? अरे सुन कहा रहा था मैं, आ रहा था ये तेरे लिए, ये देख मैं तेरा फेवरेट फ्लावर लेके आया हूँ, तेरा पिंक ट्यूलिप फ्लावर। पिंक ट्यूलिप? अरे यार ये तो मेरा फेवरेट है, दे 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 जल्दी दे दे, बहुत प्यारा यार ये ले यार, इसको संभाल के रख, बहुत प्यार से दिया है मैंने। थैंक यू। हाँ 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 चल चल चल, अब पापा आ जाएंगे, चल चल पाए पाए पाए, मिलते हैं। थोड़ा सा भाई रुक जाते और इसको बैस के हटा यहाँ से, कल मिलते हैं। लेकिन गाइस मेरे दिमाग पे एक और चीज आ रही है यार, उसको ना हम लोग एंचेंटेड गोल्डन एप्पल अगर दे पाए ना, लाइक एंचेंटेड गोल्डन एप्पल बहुत रेयर होता है, तो हाँ श्री को पसंद आएगा। रैप्टर कहाँ है? हेलो रैप्टर। हाँ इंसेक्ट, हाँ तू? ए ये रहा। सुनना भाई सुनना, तेरे पास एंचेंटेड गोल्डन एप्पल लेके उसको फ्लावर दिया ना भाई, वो बहुत खुश हो गए यार। भाई मैंने बोला था ट्यूलिप दे, काम करेगा जादू की तरह। यस भाई बट हाँ मेरे को अभी उसको एक और चीज देनी है, एंचेंटेड गोल्डन एप्पल। एंचेंटेड गोल्डन एप्पल वो तो घर में होगा शायद मेरे पास एक दो। तो आ जा भाई, किसका मुंह देख रहा है भैंस की, जल्दी आ भाई, उसको फूल दिया वो खुश हो गई। सुनता हूं मैं, रुक जा। अरे यहां बैरल के अंदर रखा हुआ था। थैंक यू सो मच भाई। चलो 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 गाइस लेट्स गो, ये लेके आ चुका हूं मैं। इसका इससे पीछा भी छुड़ाना चाहती हूं। अब बताओ इसको मतलब कैसे करूं मैं बैलेंस आउट, मतलब समझ नहीं आ रहा है। गलत है क्या ये? फायदा नहीं उठा रही मैं, ये मेरा हक है, उसको देना चाहिए ये सब, मैं उसका गर्लफ्रेंड हूं ना। चलो गाइस अभी यहां से जल्दी हम लोग जाते जाके ये देते हैं। ये क्या है? ये फ्लावर मैंने तो उसे दिया ना, ये फ्लावर बाहर घर के बाहर जमीन में क्यों पड़ी हुई है? हैं उसने फेंक दिया, बट क्यों ऐसा क्यों करेगी वो, समझ रही है भाई? उसने इस फूल को फेंक क्यों दिया भाई, उससे उससे आगे मिलते है। ए श्री, हां क्या है? क्या है? अरे तू जा क्यों नहीं रहा, बोला ना पापा आ जाएंगे। तेरा पापा आएगा ठीक है, मैं तेरे लिए एंचेंटेड गोल्डन एप्पल लाया था, बट वो छोड़ तू, मैंने जो तेरे को ये फूल दिया था तूने बाहर क्यों फेंक दिया? गिर गया होगा पॉकेट से, पता नहीं, ऐसे थोड़ी गिरता है, वो भी एक दो नहीं गिरा, जितना 8 फूल दिया था तूने वो पूरा फेंक दिया, क्या सीन क्या चालू है तेरा? अरे यार कट्ठा पॉकेट में घुसाया था ना मैं। यार देख तू झूठ मत बोल, और सभी मेरे को अब गुस्सा आ रहा है तेरी हरकतें देख के, तेरे को हो क्या गया है? बोल रही हूँ उस फूल में ना कीड़े थे, इसके वजह से, तेरे को तो पता है मेरे को कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। कीड़े थे? तू पागल है, माइनक्राफ्ट के फूल में कीड़े कब से हो? मैं ताजा ताजा जस्ट जंगल से तोड़ के लेके आया तेरे लिए। तूने नहीं देखा होगा ना अच्छे से, मेरे को काट रहे थे मतलब कुछ भी। अरे पापा आ जाएंगे, तू क्या कर रहा है, एक फूल के लिए तू इतना वो कर रहा है? बात फूल की नहीं है, बात इमोशन की है, मैंने तेरे को दिया तूने उसको बाहर फेंक दिया। अरे यार लड़ाई मत करो, सही बोल, तू एप्पल लाया ना, चल वो दे दे, ठीक है मैं रख दूँ। नहीं दे रहा मुझे कुछ नहीं देना है यार, मैं जा रहा हूँ भैंस की, मैं जा रहा हूँ।
एप्पल चला गया, गोल्डन एप्पल चाहिए था मेरे को, एंचेंटेड था यार वो तो। यार गाइस सीरियसली मतलब मेरा भाई मूड खराब हो रहा है भाई, अब मैं जा भी नहीं रहा, ना तो मैं रैप्टर के पास भी जा रहा हूँ भाई। ये सीन क्या है मतलब, भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है यार, उसको मैंने फूल दिया तुम समझ रहे हो, तो उसने बाहर फेंक दिया भाई। आई मीन ऐसे ऐसे थोड़ी होता है भाई, तमीज से दे रहा हूँ तुमको, नहीं देना है, मैं तुमको और पसंद नहीं हूँ कुछ है कि क्या है भाई, अलग होना है मेरे से, मतलब जो भी है भाई मेरे को क्लियर बता दो, है ना सीन क्या है। मैंने जा रहा भाई, मैं मेरे घर पे रह रहा हूँ आज। यार गाइस यहाँ पे रात हो चुका है यार कितना, और सही में भाई मेरा मूड मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं भी क्या बोलूं, मतलब चालू क्या यार सीरियसली। को मैंने ये फ्लावर दिया था यार, उसने ये बाहर फेंक दिया भाई, कोई बात नहीं मैं मेरे घर के यहाँ पे लगा देता हूँ। वो मेरे को ऐसे इग्नोर कभी नहीं करा है यार, मतलब इतने टाइम से रिलेशन है एंड ऑल, वो मेरे को कभी भी इग्नोर नहीं करी है, एंड एकदम से ऐसे होने लगा ना भाई कुछ टाइम से, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को नहीं चाहती है, मेरे से ब्रेकअप करना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि वो बता भी नहीं पा रही है। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा यार, देखो मतलब हाँ वो मेरे को बहुत सही में बहुत ज्यादा प्यार करती है, बट लग रहा है कि उसके लाइफ में ना कुछ यार प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। यार सुबह होने का गाइस हम लोग इंतजार करते हैं, सुबह होते ना मैं रैप्टर के पास आके सब कुछ बोलता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना यार, वो मेरे को बहुत अच्छे से यार कोई सलाह वगैरह दे सकता है। यहाँ पे सुबह हो चुका है एंड यार मैं अभी जा रहा हूँ मेरा फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड है ना उससे यार मिलने के लिए, उसको जाके भाई सब कुछ बताता हूँ कि ऐसा ऐसा सीन है। ओए इंसेक्ट कुछ कहाँ जा रहा है? अरे अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं, तेरे से मिलने जा रहा हूँ, तू इधर आ भाई, मेरा मूड खराब है बहुत ज्यादा खराब। भाई तू कहाँ है कल से, कल तू घर भी नहीं आया मेरे श्री से मिलने के बाद, कैसे आऊ भाई? उसने पता है क्या किया है मेरे साथ? क्या? मैं जाके उसको वो फूल दिया भाई, और उसके घर के बाहर वो फूल ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी, फेंक दिया था उसने। हाँ और वो सीरियसली? हाँ भाई सीरियसली, मैं झूठ क्यों बोलू? मैं जब पूछा कि तूने इसको फेंका क्यों है ना, नहीं लेना था बता देती है ना, नहीं देता मैं, वो बोल रही कि उस फूल में कीड़े लगे थे, सड़ गया था वो फूल, ये वो। यार ऐसे कैसे कर सकती है यार, वो इतने मेहनत से फूल तोड़ा था, अब मेहनत छोड़ तूने इतना फीलिंग से दिया था उसे, फिर भी उसने फेंक दिया। और भाई मैं एक बात तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने उसकी ना थोड़ी बहुत चुपके से बात सुनी थी, जो पता नहीं क्या बोल रही थी, वो छोड़ना है ये वो, उसको छोड़ क्यों नहीं देता है, और मैं उससे चाहता हूँ ये वो, पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रही थी। भाई एक बात बोलू? क्या बोल भाई, मुझे लग रहा है वो चीट कर रही है यार। क्या भाई? क्या कर रही है? चीट कर रही है भाई, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ए भाई पागल है भाई तू, वो देख भाई वो कुछ भी हो जाए बट वो ऐसा नहीं करेगी भाई, मजाक। चलो सुन इंसेक्ट मेरी बात सुन भाई, तूने जो जो मुझे बताया कि तेरे साथ वो कर रही है, मैं उसके बेसिस पे तुझे कह रहा हूँ कि वो तुझ पे चीट करे, अगर तुझ पे मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो हम लोग देख लेते हैं ना तुझ पे चीट कर रही है। भाई वो ठीक है, नहीं भाई देख ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो चीट कर रही, हो सकता है कि भाई उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या वो कोई प्रॉब्लम में फंसी हुई है जिस वजह से वो टेंशन में, इस वजह से ऐसा हो सकता है। इनसे कोई अपने लाइफ में इतना भी ज्यादा बिजी और जो भी टेंशन नहीं हो जाता कि अपने बॉयफ्रेंड या रिलेशनशिप में है उसको एंड करते। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसने एंड नहीं करा है, कहाँ क्या क्या बोल रहा है भाई तू, कुछ भी बोल रहा है वो, मेरे को भाई चीट नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है? अच्छा अच्छा इनसे मेरे पास एक आइडिया है, ये आइडिया सुन ले, तेरा सारा शक वक सब कुछ दूर हो जाएगा। क्या है बता भाई बता, मेरा दिमाग खराब है सही में। मैं कह रहा हूँ भाई, उसके घर में हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगा कर देख ले, तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हम लोगों को पता चल जाएगी उसकी प्रॉब्लम क्या है। तू पागल है, मैं उसके घर पे सीसीटीवी लगाऊं उस दिन फिर सही में ब्रेकअप हो जाएगी? अरे पता थोड़ी चलेगा यार सीसीटीवी कैमरा। भाई तू दोस्त कैसे किसे आइडिया दे रहा है भाई, किसी के घर पे सीसीटीवी ऐसे लगाना उसके परमिशन के बिना, पता है कितनी गलत बात है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मेरी बात सुन ले, उसे पता नहीं चलेगा, हम लोग जाएंगे घर में, ठीक है वो बाहर नहीं जाएगी मार्केट या खेलने के लिए, हम लोग फटाफट से छोटा सा कैमरा है उसके घर में इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यार भाई नहीं भाई, मेरे को ये सही नहीं लग रहा भाई, मैं नहीं कर रहा। भाई उससे प्यार करता है कि नहीं? हाँ वो करता हूँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई, मैं शक नहीं कर सकता, ऐसे शक नहीं करने बोल रहा हूँ भाई, बस एक छोटा सा कैमरा तो लगाना है यार, लगा के भाई बात खत्म करते हैं। भाई वो ठीक है यार, बट ये सीसीटीवी वाला बहुत एक्सट्रीम होगा यार, मतलब। अरे यार तुझे नहीं लगाना कैमरा? नहीं ठीक नहीं लग रहा है मेरे को कैमरा लगाना। छोड़ तब मत लगा भाई, मैं भी क्या ही यार तुझे फालतू में आइडियाज दिए जा रहा हूँ, ठीक है भाई छोड़ तब, मैं चलता हूँ घर जा रहा हूँ यार। बट भाई वो लगाया और उसको पता चल गया, और हम जैसे सोच रहे कि वो चीट कर रही है या कुछ, अगर वो चीट नहीं कर रही है और सोच के ये सब देख लिया कि मैं उस पे ऐसे शक कर रहा हूँ, तो भाई वो सही में ब्रेकअप कर लेगी। अरे भाई तो अभी कौन सा रिलेशनशिप तुम्हारा सही चल रहा है, अभी भी तो प्रॉब्लम्स है ना यार, मैं क्या करूं। ठीक है भाई चल करते हैं भाई, देखा जाएगा जो होगा बेस्ट। हाँ सही बोला, अभी कौन सा सही चल रहा है, वो अपने से कितनी बदतमीजी से बात किया। वही तो कह रहा हूँ भाई, लगाते हैं यार इतना सोल टेंशन लेंगे। चलो बट भाई सुन भाई सुन, वो अपने घर के आसपास यहाँ पे रहती है, मेरे पास एक प्लान है, तू जाके उसको डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है कहीं पे वैसे बोल के दूर लेके जाना थोड़ा, और मैं तब जाके ना चुपके से भाई उसके घर के अंदर ना सीसीटीवी लगा दूंगा मैं। ओके चलो भाई तो करते हैं यार, घर से कोई निकल के बाहर गया अभी। अरे हाँ वो त्रिशा, त्रिशा इधर यार ये
भाई बक 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 चुप 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 इधर आके चुप जल्दी 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 भाई जल्दी देख लेगा दे कैमरा दे मेरे को जल्दी से दे ले भाई ले 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 इसका कंट्रोल दे कंट्रोल हां स्पर्श स्पर्श जा चुका है थोड़ा बाहर आओ ना यार क्यों क्या है क्या बात है अरे आओ सही सुनो यार मुझे थोड़ा मार्केट से सामान लेने जाना है थोड़ा जरूरी सामान है प्लीज वो चल सकती हो साथ में प्लीज प्लीज मना मत करना अरे हां चलते इतना क्यों बोल रहा है थैंक यू यार चलो तुम्हारे लिए कुछ नहीं लग चुका अरे भाग क्यों रहे हो धीरे धीरे चलो जा चुका है भाई श्री को लेके गाइस यही मेरे पास मौका है चलो ओके गाइस मैं यहां पे आ चुका हूं ये इसका डाइनिंग रूम है ना पता नहीं इसका डाइनिंग रूम सभी सेम है ये कैमरा गाइस मैं क्या सोच रहा हूं यहां पे लगाता हूं गाइस एक कैमरा और इसको गाइस मैं यहां पे कंट्रोल में ले लेता हूं और फिर गाइस यहां पे दूसरी कैमरा हम लोग कहां पे लगा सकते हैं दूसरी कैमरा लगाता हूं मैं यहां पे मैं देखता हूं ये काम कर रहा है ना ओके गाइस अच्छे से काम कर रहा है एकदम सही से भी काम कर रहा है यहां पे सीसीटीवी लग चुकी है बट यार मेरे को थोड़ा डर लग रहा है लेकिन गाइस मुझे करना पड़ेगा सब सच्चाई जानने के लिए कि यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है मतलब वो क्या एक्चुअल में सही में मेरे को चीट कर रही है बस ये मेरा एक बहम है मेरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे भी नहीं पता जो होगा देखा जाएगा मैंने सीसीटीवी लगा दिया है वो मेरे को किस पे गाइस भगा दिया था यहाँ से शाम के टाइम पे ना तो गाइस उसी टाइम पे शायद गाइस मुझे कुछ मिल सकता है यहाँ पे सुराग गाइस यहाँ पे अभी शाम हो चुका है रैप्टर बस आता ही होगा गाइस वो उसको लेके कहीं पे गया था ना कुछ मार्केट वगैरह बोल के पता नहीं कहीं तो लेके गया था सब भाई साहब बात सच्चाई नहीं यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरी जीएफ एक्चुअल में क्या मेरे साथ चीट कर रही है कि पता नहीं यार देखो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है भरोसा नहीं है मैं इसकी आजकल हम लोग लोगों पे भरोसा ही नहीं कर सकते कि वो पीठ पीछे क्या कर देखो अरे 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 यार जल्दी क्यों जाना है तुमको चाय पी के चलते हैं ना चाय पीना थोड़ा सा नहीं यार आज नहीं आज इसको रखते हैं ठीक है नेक्स्ट डे आऊंगा तो चाय पक्का चाय पीकर खाना खा के क्यों मैं तुम्हारा फेवरेट कॉफी चाय कुछ भी बना दूंगी आज ना जो रोज समझो यार थोड़ा लेट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पक्का ओके चलो बाय ओके रैप्टर आ रहा है रैप्टर मैं इधर हूं पीछे हूं माउंटेन में वो रहा इंसेक्ट आ रहा भाई मैंने वही सीसीटीवी लगा दिया है भाई अभी हम लोग सब कुछ देख सकते क्लियरली ये कौन जा रहा है ये देख वो तो जा रहा है ये राहुल कौन है रुक जा मैंने बाहर में एक सीसीटीवी लगाया है हाँ ये दिख रहा है देखा तूने ये राहुल कौन है बे सुन मैंने तेरे को कैमरा कंट्रोल दिया है ना देख हाँ। नंबर वन वाला कैमरा ओपन कर इसके घर में आ चुके हम लोग राहुल मैं तुम्हारे लिए ये बना खा लो तुम्हारा फेवरेट है पीछे क्या कर रहे हो तुम खा लो उसको उतर दिया कौन है बे रैप्टर ये तेरे को पता है भाई पहली बार इस गाड़ी में देखा मैंने राहुल नाम के लड़के को नहीं एक सेकंड शायद मैं इसको अरे तो राहुल नहीं पहचाना नहीं अबे उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल अरे ये वो राहुल है हाँ। कोई आएगा तो नहीं ना अरे नहीं अभी कोई नहीं पापा आज नहीं आएंगे आज पापा का नाइट ड्यूटी है अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ तुमको खाना कैसा लगा बताया नहीं मैं क्या इसका ये बॉयफ्रेंड है भाई इनकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है मुझे खाने से हाँ तेरे को तो खाने से कभी मतलब रहता ही नहीं है सही में मेरे को ये चीट कर रही है खाने से किसे मतलब है मुझे तो तुमसे मतलब है देख ले भाई ये लोग की बातें सुन रहा बेड की बातें कर रहे हैं ये लोग मुझे बेवकूफ बना के तू भी ना यार भाई ये लोग क्या कर रहे हैं भाई सीरियसली ये देख तेरे लिए फूल भी लगाया मैंने ये मेरे को मेरे पेट पीछे भाई चीट कर रही थी मुझे पता भी नहीं था बोल यार देख रहा है ना सारा है भाई तू देख ले मैं तुझे शुरुआत से कह रहा था कि ये लड़की तेरा काट रही है तू भरोसा करने को राजी नहीं था भाई ऐसा कैसे कर सकता है देख लो कैसे पता चलेगा वो मेरे से कितना प्यार और तमीज से यार बात करती मतलब अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है रैप्टर उसने बोला था ना शाम को उसका डैड घर पे आता है ये कहाँ का डैड है चल भाई इनको ना हाथों हाथ पकड़ते है ना सब देख लिया मैंने मेरे पीठ पीछे भाई गेम खेलना ना इसका निकाल रहा हूँ मैं श्री फूल देने के लिए क्या इनसे क्या कर रहे थे इधर नाइस रियली नाइस नाइस का क्या मतलब है सही में वैसे तो तू गेम में नूब है बट लोगों के साथ गेम खेलने में बहुत प्रो है तू है ना क्या बोल रहा है तू ये क्या बोलना चाहता है तू मेरे बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ तू मेरे पीठ पीछे ये क्यों कर रही थी क्या कर रही थी मैं क्या कर रही थी जैसे अभी कुछ नहीं जानती है नहीं जानती हूँ तू जो बोल रहा है इसका कोई प्रूफ है क्या बोलना चाहता है समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को अच्छा समझ नहीं आ रहा है ना तू मेरे को चीट कर रही है मेरे पीठ पीछे तेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है जो कि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है
मैं चीट कर रही हूँ। कुछ नहीं जानते, कितनी भोली वाली बच्ची है ना तू। कोई प्रूफ है जो तुम बोल रहे हो बातें? मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ तेरी तरह, ठीक है? ऊपर देख, वहाँ पे मैंने सीसीटीवी लगाया है, वो देख सामने लगी हुई है। तूने मेरे घर में सीसीटीवी कब लगाई? और ये सब क्या इंसान, ये सब क्या, तूने क्या करा है वो बता। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग भी है, प्रूफ भी है, ये देख मेरे हाथ में मॉनिटर भी है। तू मेरे घर में ये सब लगा के तू मेरे को नजर रख रहा था, स्पाई कर रहा था। रखना पड़ा क्यों? क्योंकि हाँ भी बोल रहा है। हाँ रखना पड़ा क्योंकि तेरे से मैं पूछ रहा था क्या हुआ है, तू मेरे से ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, मेरे से ढंग से बात क्यों नहीं कर रही है। तो तू मेरे को क्लियर बता देती ना, तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है। मतलब इज्जत नहीं है, तमीज नहीं है तेरे को? तूने ये सब किया मेरे साथ? किया क्योंकि मैं मजबूर था, क्योंकि तू मेरे को बता नहीं रही थी कुछ भी, है ना, क्लियर करके। तेरे बदमाशियों का तू मजबूरी का नाम दे रहा है इस सब चीजों का। अरे जो भी, तू मेरे पीठ पीछे ऐसा क्यों कर रही थी, है ना, तेरे को मेरे साथ नहीं रहना है, मैं तेरे को पसंद नहीं, तो मेरे को क्लियर बता देती। तेरे को समझ आ गया राइट कि मैं तुझे पसंद नहीं करती? चल ठीक है, यही सही। यही सही का मतलब क्या है? अभी जब मुझे सब कुछ पता चल गया, अभी तू नौटंकी कर रही है, मेरे को पहले से क्यों नहीं बताई? और ये सब कब से चल रहा है बता, मेरा मुंह क्या देख रही है तू, ऐसे क्यों कर रही थी मेरे साथ, मेरे पीठ पीछे? तेरे को पता था ना मैं कितना सीरियस हूँ। ठीक है देख, अभी तेरे को पता लग गया तो हाँ मैं तेरे से ये बोलने वाली थी बट मैं बोल नहीं पाई। अभी हम रिलेशनशिप खत्म करते हैं। खत्म करने का क्या मतलब है? देख तू पहले तो क्लियर तो बता सकती थी ना, तुम्हें प्यार से ऐसे हट जाता है ना, ऐसे करने का मतलब क्या है? मतलब कितना घटिया लड़की है तू। क्योंकि तू हर्ट होगा इसलिए। तो तेरे पास हर चीज का जवाब भी होता है, जैसे ये वाला भी कितना बकवास सा एक रिप्लाई है कि मैं हर्ट होऊंगा, और अभी जो ऐसे मुझे पता चला इससे मैं क्या हर्ट नहीं होऊंगा? देख अभी तो ये सब बोल के कोई फायदा नहीं है ना, अभी ब्रेकअप करना ही सही है, तो मैं अपने तरफ से रिलेशनशिप एंड करना चाहती हूँ। तुझे पता है सच कभी छुपता नहीं, मेरे को अच्छे से सब कुछ बता सकती थी, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे को ना तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है यार, तू मेरे पीठ पीछे क्यों कर रही थी? तेरे को पता है मेरे को ऐसे नहीं पसंद। एक ही बात है तुमसे क्यों बोलने जा रहा है? नहीं पसंद तू मुझे, टाइम पास कर रही थी मैं, हो गया ना बात खत्म। कितने बार बोलोगे तू ये सब? अभी हो गया क्या? खड़े होकर मेरे मुंह देख रहा है, हो गया जी, चल यार। सही किया है जो भी तूने किया है ना, बहुत सही किया। ठीक है अब निकल जा, अब मेरे को शक्ल मत दिखाओ अभी, चल निकल उधर है दरवाजा। इसका जवाब तेरे को मिलेगा जो भी किया है ना तूने। आओ इधर आ, सीसीटीवी तोड़ सारे। देखो मेरी गर्लफ्रेंड ने जो भी किया है ना, बहुत बुरा किया है। अगर तुमको कोई पसंद नहीं है तो उसको जाके बता दो, है ना, उसके पीठ पीछे ऐसे मत करो कभी भी, है ना। तो वो सही नहीं होता है किसी के पीठ पीछे ऐसे करना। देखो आप भाई मेरे साथ क्या है ना, मेरे को आ रहा है गुस्सा, मेरे को चाहिए बदला। बदला मैं मेरे गर्लफ्रेंड को जाके कुछ बोलने या करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि यार वो सही नहीं होता है ना। तो यार मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं जाने वाला हूँ उसका वो जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो सबसे बड़ा हरामी है, उसको जाके भाई मैं सही में पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, बट भाई इसको जाके ना मैं पहले तो यार बोलूंगा भाई तुम दोनों के बीच में क्यों आया, तो चलो यार उसके घर पे जाते, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पे रहता है। ओके सो गाइस ये दिख रहा है यहाँ पे घर भाई राहुल का, राहुल तूने मेरी भोली वाली गर्लफ्रेंड की दिमाग खाया है भैंस की। हाँ ये कहाँ है ये राहुल? ओ भाई हेलो हेलो, क्या भाई देख तूने जो भी करा ना, तू इधर भी आ गया, इधर भी क्या होता है भाई, तूने मेरी गर्लफ्रेंड की दिमाग को क्यों खराब किया, तूने उसको मेरे खिलाफ क्यों किया, ये बता पहले। एक सेकंड क्या होता है भाई, तेरे को पता है हम दोनों की रिलेशन कितने टाइम से थी, तू हम दोनों के बीच में क्यों आया, मेरे घर पर आके बकवास कर रहा है? बकवास तू कर रहा है भाई, तूने हम दोनों ब्रेकअप करवा दी, इतने टाइम की रिलेशन खराब करा दी भाई, सिर्फ तेरी वजह से हुआ ये, तूने उसकी भाई दिमाग को खराब किया है, तूने उसको मैनिपुलेट किया है। हेलो मैं बीच में नहीं आया। अच्छा भाई अब तू भी भाई नौटंकी चालू कर दे भाई, तेरे को शर्म नहीं आती? तू एक लड़का होकर भाई दूसरे लड़के के ऐसे बीच में आके, है ना, तेरे को शर्म भी नहीं है? तेरे को कोई बुरा भी नहीं लगा ऐसा करते हुए? दिमाग खराब वराब है क्या तेरा? भाई मेरा दिमाग खराब नहीं है, तेरा है भाई। उसको लिटरली मेरे बारे में ऐसे उल्टी सीधी बोल के हमारा ब्रेकअप करवाया, तू बीच में से उसका बॉयफ्रेंड बन गया, मुझे क्या पता भाई तूने क्या बोला, वो तुझे पता है ना। और सुन अगर उल्टा सीधा बोला तो जूते खाएगा, उल्टा सीधा बोला तो जूता खाएगा, भाई तू क्या बोल रहा है? मेरी ऑलरेडी जीएफए, मतलब तेरा ऑलरेडी जीएफए, फिर भी तूने मेरी गर्लफ्रेंड को, भाई ऐसा बंदा है तू? वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, मैंने कुछ नहीं करा, तो तू उससे उस दिन उतनी प्यार से उतनी वैसे बात क्यों कर रहा था? जीएफए और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं है तेरा, राइट? तेरा जीएफए कहाँ मुझे मिला, जरा मैं जाके सब कुछ बोलता हूँ उसे। सही में लेके जा रहे हैं, बोलता है ओके कहाँ है, कहाँ पे वो, ये घर में कौन है, अंजलि? तो तुमको पता है ये राहुल है, ये बॉयफ्रेंड है, श्री के साथ इसका क्या सीन है? अरे देखो मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का ना ऐसे लाइक ब्रेकअप हो गया है, वो मेरे को चीट कर रही थी, है ना, वो उसने खुद एक्सेप्ट भी किया है, और मुझे लगा कि ये राहुल ही है, बट अभी राहुल बोल रहा है कि वो नहीं है। सीन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूं, ऐसा कभी नहीं कर सकता है, बट वहां पे तो लगा मेरे को राहुल ही है उसका बॉयफ्रेंड। भूल लिया आप जा भाई, तू उसका बेस्ट फ्रेंड है ना, तेरे को पता है कि एक्चुअल में किसकी बात कर रही थी, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है जिसकी वजह से उसने मेरे को चीट करा? भाई तू जानता है उसे।
से। मैं जानता हूँ कौन है भाई, मैं तो जानता हूँ कि जैसे तेरे को जानता था, तेरा वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वही कर रहा है ये सब, वही उसका बीएफ। तो भाई रुका किसके लिए जा जल्दी। इंसेक्ट को मैंने बना दिया बेवकूफ बेचारा इंसेक्ट। इंसेक्ट शुरू से लेके एंड तक मैं उसे बनाता रहा बेवकूफ, और उसे पता भी नहीं लगने दिया मैंने कि भाई राहुल उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका असली बॉयफ्रेंड मैं हूँ। इंसेक्ट यार इतना मासूम, मुझ पे भरोसा भी कर रहा है। और भाई देखो जरा और क्या हो रहा है वहाँ पे। ओके इंसेक्ट जाके वहाँ पे झगड़ा कर रहा है। भाई मेरे प्लान सक्सेसफुली काम कर रहा है। तू बोल रहा है ना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरा काट रहा है, वो मेरे जीएफ के साथ है, तो बता प्रूफ क्या है। वो तेरी मर्जी, मानना है तो मान वरना भाड़ में जा। और प्रूफ चाहिए तो अभी उसके घर जाके देख ले, दोनों चिपके हुए होंगे। मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ भी, मेरा भाई फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकता। ये लोग क्या बोल रहे हैं, राहुल उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसका। क्या माइंड गेम चालू है यार रैप्टर, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितना समझते हो मुझे, तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी यार, तुम मेरे लाइफ में, जब से मेरा लाइफ बहुत इजी हो गया सही में। मैं जो देख लो यार, तुम मैं जो सुन रहा हूँ वो सही है। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था जब से तुम आए हो, मुझे मेरे कान में विश्वास नहीं हो रहा भाई। कंपेनियन ने बात करने के लिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड भाई वो भी मेरा काट रहा है सीरियसली। मतलब राहुल ने जो बोला था वो सही है गाइस, मतलब सीरियसली मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो भाई, वो भी मेरा काट रहा था पीठ पीछे। मतलब उसने पूरी ये प्लानिंग करी थी मुझे फंसाने के लिए, एंड मैं ताकि ऐसे रिएक्ट करूं एंड एक्चुअल में हम लोगों का ब्रेकअप हो जाए और वो आ सके क्योंकि मैं उन दोनों के बीच में। ओके तो कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, कुछ भी नहीं है। मेरा जेब भी मेरा काट रही थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था वो भी। कुछ नहीं बोलना भाई, किसी को कुछ नहीं बोलना है, मेरा कोई नहीं सही है। गुस्सा करके भी गाइस फायदा नहीं, ऐसे लोगों को कुछ बोल के करके कोई फायदा नहीं है। अगर वो दोनों खुश रहते हैं साथ में तो रहने दो, मैं कौन होता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को बुरा लगा, मैं सैड हूँ, चलेगा मेरे लिए गाइस, तुम लोगों चलेगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ है, बहुत हो चुका है भाई, सही में बहुत हो चुका है। इन लोगों ने जो भी किया है बहुत किया है, हो गया मेरा तो हो गया। दोस्ती पे भी हम लोग भरोसा नहीं कर सकते यार, आज बहुत मैंने मेहनत कर लिया माइनिंग पे। रैप्टर का घर आ गया, चलो मिलके चलते उससे। बट ये रैप्टर है कहाँ, ऊपर है क्या? ये रहा रैप्टर। फाइनली मेरा प्लान आज सक्सेसफुल हुआ और श्री और इंसेक्ट दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। मैं इन दोनों के रिलेशनशिप से पूरी तरीके से पक चुका था यार। दोनों जब भी देखो उन दोनों को, दोनों एक तरह से चिपके बैठे रहते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये। और इतना मेहनत के बाद दोनों का ब्रेकअप करवा दिया है मैंने यार, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। श्री और इंसेक्ट इतने बड़े बेवकूफ थे, इतने टाइम से मैं उनका काट रहा था और उन्हें पता तक नहीं लगा। आई एम सो स्मार्ट। बेचारी श्री, उस पर मुझे दया भी आ रही है और उस पर हंसी भी आ रही है। कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मुझ पे इतना टाइम से भरोसा करती गई और लो उसके पास जो जिससे प्यार करते थे माना सब कुछ छीन लिया है श्री से। और बेचारी श्री को ये तो पता ही नहीं कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड भी जिससे मेरी शादी तय हो चुकी है। मुझे उसका रिएक्शन देखना है जब उसे पता चलेगा कि मेरी एक और गर्लफ्रेंड है और उससे मेरी शादी होने वाली है। क्या मैं सही सुन रही हूँ कि रैप्टर ने मेरे को धोखा दिया? और मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा इन सब बातों का। इसका मतलब तो मैंने इन सबके साथ भी गलत किया, फिर उसको मैंने धोखा दे के। यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, देखो इन सब तो मेरा शक्ल भी नहीं देखेगा शायद। यार बहुत दिन हो गया यार, कुछ अच्छा लूट ही नहीं मिल रहा। वो इंसेक्ट का घर है, चलो उससे थोड़ा माफी वाफी भी मांग लेंगे, थोड़ा मिल लेते हैं। पता नहीं क्या कर रहा होगा आजकल। एक मिनट, ये लड़की कौन है? बहन है क्या? इसका आयशा नाम है। हेलो आयशा। अरे इंसेक्ट आ गई तुम? हाँ मैं आ गया, क्या कर रही थी तू? अरे यार मैं तेरा वेट कर रही थी, तुमने बोला था ना कि मेरे डायमंड्स लाओगे, लिए है? ये देख मेरे हाथ में क्या है। ओ, लाओ जल्दी, तो जल्दी ऐसे नहीं दूंगा मैं। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं दोगे, अब तो दोगे, फ्लावर ले लो। क्या? हाँ ये डायमंड मैं तेरे लिए लाया था, ये ले पूरा का 64, तू ले रहे। यार कितने अच्छे हो तुम, तुमने मेरे लिए लिया है। चल चल अरे सुनना सुनना सुनना, मैंने ना तेरे लिए मस्त सरप्राइज भी रखा है कहीं पे, देखना चाहेगी? हाँ चलो कहाँ पे? आजा मेरे साथ आजा। चलो चलो चलो। लव लव तो ये मेरे को बुलाता था, उसका गर्लफ्रेंड है क्या ये? इतना जल्दी? नहीं नहीं गर्लफ्रेंड इतना जल्दी कैसे गर्लफ्रेंड बना सकते, इतना जल्दी थोड़ी मेरे को भूल सकता है। भूल गया क्या मेरे को सच में? अरे ऐसे कहाँ जा रही है, दोनों घूमने जा रही है, फूल के बगीचे में लेके गया। नहीं ये तो इसका गर्लफ्रेंड ही है यार, इसने इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड भी
वाली हूँ, ऐसे कैसे कर सकते इनसे? थोड़ा तो मेरे को मनाने आ सकता था ना। हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए यार। इनसे मैं तो बहुत गलत किया, थोड़ा तो मनाने आ सकता था, मैं उसको चांस दे देती यार। कैसा लड़का है, इतना गंदा है यार, ये इतना गंदा लड़का है यार। इनसे बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, मेरे को नहीं देखना इनको। जली ना, तेरी भी जली ना।